आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरी अध्यक्षता में पार्लियामेंटेरियंस की एक 5 सदस्यीय टीम को यहाँ भेजा है, जो ग्राम पंचायत और बाकी चुनाव में जो हिंसा हुई है, अपराध हुआ है, गोली चली है, लोग पीटे हैं, कानून का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच करने के लिए। सतपाल सिंह जी लोकसभा के एमपी हैं, बागपत के, मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर रहे हैं, रेखा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा एमपी हैं, यूपी से छिरोड़ा ब्रिजलाल जी राज्यसभा के एमपी हैं, और डॉक्टर राजदीप रॉय सिलचर से, और मैं रविशंकर। कल हम लोग घूमे, बहुत पीड़ादायक सीन था। आप लोग भी हमारे बहुत साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दो तीन चीजें आपको बताना चाहते हैं, जो हमने राजपाल जी को भी बताया। मंडल परिवार के कई उम्मीदवारों के घर में हम गए, जहाँ हमला हुआ है, घर तोड़े गए। एक माधुमंडल में घर में जो उनके रिश्तेदार फैमिली वे में है, वहाँ हमला हुआ। एक लड़का छोटा बच्चा 12-13 साल का, क्या नाम बताओ, सुनाई दास, महिलाएं खौफ में हैं। दुर्गा स्थान पर हमला हुआ, सीसीटीवी को तोड़ दिया गया, और मीनाखा में मैं एक घर में गया, वो मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ। शांतनु पात्रा एक बहुत ही गरीब राजमिस्त्री है, जो तमिलनाडु में काम करता है अपनी कमाई के लिए। ही हैज मेड सम सेविंग और उसने अपना मकान बनाया। उसकी एक ही गलती है कि वो नरेंद्र मोदी जी का उसने पोर्ट्रेट लगाया अपने मकान में। क्या हमला किया गया, घर तोड़ा गया, उसका टीवी तोड़ दिया गया, घर से भागा, वरना तो उसकी जान पर आपत्ति, सोफा सेट अलमारी सब तोड़ दिया, इतना हुआ। और उसकी माँ रोने लगी। हम लोग हमने जानने की कोशिश की कि पुलिस का कोई एक्शन हुआ है, यूनिफॉर्म रिप्लाई नो एक्शन।